हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रीनो सॉल्यूशन। देखो आज हम क्वेश्चन करेंगे कि क्या है, दो नंबर्स है हमारे पास, एक है 615, दूसरा है 963। ठीक है, हमको कोई एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक, बहुत सारे नंबर्स डिवाइड करते हुए हो सकता है, 3 भी डिवाइड करता हो सकता है, 5 भी डिवाइड करता हो, सबसे बड़ा एक ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, लेकिन वो क्या करे, लास्ट में इसको डिवाइड करके इसके अंदर रिमाइंडर आ जाए 6 और इसमें रिमाइंडर आ जाए 6। ठीक है, तो उसके लिए क्या तरीका होता है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों नंबर से 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे बचा 609, इससे हमने माइनस करा तो बचा हमारे पास 957। ठीक है, समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है, ये दो नंबर्स हमें मिल गए। अब हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे। क्लियर है? ठीक है, तो देखो इनके फैक्टर्स निकालते हैं। 609 का फैक्टर निकालो, 3 से करती हूँ, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9, फिर 3 6 जा 18, नहीं जा रहा, ठीक है 5 है, यहाँ पे नहीं जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके फैक्टर्स निकालते हैं, इसका फैक्ट 609, 3 2 जा 6 0, 3 3 जा 9, इसका एक फैक्टर हो जाएगा 3 से तो नहीं जा रहा है ना, तो फिर इसका अगला फैक्टर है 7 से जाएगा ये। ठीक है, 7 टू 40 बचा 3, 7 9 जा 63। ठीक है, अब देखो 29 इज अ प्राइम नंबर, तो ये 29 1 जा 29। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर्स लिख देते हैं। देखो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 7 इंटू 29। ठीक है, क्लियर। अब हम 957 के फैक्टर्स निकालते हैं, 3 3 इज अ 9, 3 1 इज अ 3, 3 9 इज अ 27। ठीक है, अब ये 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 2 इज अ 22, 11 9 इज अ 99। ठीक है, अब देखो 29 एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 11 इंटू 29। क्लियर है, तो देखो इसका एच सी एफ निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स दोनों नंबर का, 3 आ रहा है, देखो 7 यहां है पर यहां नहीं है, 11 यहां है यहां नहीं है, 29 ऊपर भी है नीचे भी है। ठीक है, तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो 87। इसका मतलब 87 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बचेगा। क्लियर है? ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहां पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। ठीक है, जो डिवाइड करता है 2011 को और 2623 को। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर्स कितने बचते हैं, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से 5 माइनस कर लेंगे, सॉरी इसमें से 9 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्या आ गया, 2002, इसमें से 5 माइनस करो तो ये नंबर क्या आ गया, ठीक है 2618, राइट। अब क्या करोगे, इन दोनों नंबर्स का ही हम जो है वो निकाल देते हैं, एच सी एफ निकाल देते हैं। क्लियर है? देखो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, मैं अब इसका जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालती हूं। ठीक है, इसको मैंने 1 टाइम मल्टीप्लाई करा। क्लियर है? तो देखो ये आ गया, तो मेरे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 616 यहां पर। अब क्या करेंगे हम, 2002 को अंदर ले लो। ठीक है, फिर इसको 3 टाइम्स करती हूँ मैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 3 6 18 0 4, फिर ये आ जाएगा 3 6 18। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो हमें मिलता है 4 5 1। ठीक है, अब क्या करोगे, इस 616 को अंदर ले लो, कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जा रहा है यहां पर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एच सी एफ आ गया वो कितना आ गया यहाँ पे, एच सी एफ 154। इसका मतलब 154 वो नंबर है सबसे बड़ा जो दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन ये दोनों रिमाइंडर्स बचते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे बस ना
क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, अदरवाइज तो सब बड़ा इजी है। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ तीन नंबर्स है हमारे पास, एक नंबर है 445, दूसरा नंबर है 572, एक और नंबर है हमारे पास 699। ठीक है, क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है सबसे बड़ा जो तीनों को डिवाइड करे, लेकिन रिमाइंडर्स 4, 5 और 6 बचे। अभी तक जैसे करते आते वैसे ही करेंगे, इसमें से हम ये माइनस करेंगे, ठीक है, इस नंबर में से हम ये माइनस करेंगे, इस नंबर में से ये माइनस करेंगे, क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां पे हमें मिल जाएगा 441, यहां मिलेगा हमें 567, यहां मिलेगा हमें माइनस करो 693। ठीक है, चलो अब 441 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, 2 से तो जाएगा नहीं, 893 से जाएगा, है ना, 3 1 3 3 3 1 3 बचा 1 3 4 12 बचा 2 3 7 21। ठीक है, अब ये 7 से जा रहा है, 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, 3 1 3। ठीक है, तो इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 into, देखो दो दफा 3 आ रहा है, 3 into 3, राइट, दो दफा 7 आ रहा है तो 7 into 7, राइट। चलो अब हम करते हैं 572 के फैक्टर्स निकाल, सॉरी इस नंबर के फैक्टर निकालेंगे, सॉरी निकालो इसके फैक्टर्स, 3 से जा रहे हैं ना ये, पहले 7 से कर लो, 7 8 56, तो एकदम से छोटा हो गया नंबर, 7 1 7, है ना, फिर 3 से जा रहा है, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो देखो इसने हमने से कैसे लिख दिया, 7 into 3 into 3 into 3 into 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर्स निकालो, 3 से जा रहा है ये नंबर, है ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, अब फिर 3 से जा रहा है, 3 7 21, 3 7 21, 7 11 11 1, 3 into 3 into 7 into 11। ठीक है, अब देखो क्या क्या हमें कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं यहां पर। तो देखो यहां पे हमें 3, देखो यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी 3 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो, 3 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी 3 लिख दो। ठीक है, आगे बढ़ो, 7 7 7। ठीक है, कोई और नंबर है? और तो मुझे कोई नंबर ऐसा कॉमन नहीं नजर आ रहा है। देखो 7 यहां है, पर यहां पे एक और 7 नहीं, ना यहां पर है। ठीक है, दैट मींस यही हमारा HCF हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द आंसर एज 63। क्लियर, तो इसका मतलब 63 वो नंबर है जो तीनों को डिवाइड करेगा, लेकिन हमारे वो रिमाइंडर भी मिलेंगे हमें। क्लियर, चलो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 28। क्या करना है यहाँ पे हमें, इन नंबर्स को रिड्यूस करना है टू द लोएस्ट टर्म, मतलब क्या है, 161 और डिवाइडेड बाय 207, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। तो देखो ये क्या, 161 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जा रहा है हमारा 7 से जा रहा है ना, 3 से नहीं जा रहा है, ये 2 से तो जा ही नहीं, 7 से जा रहा है, 7 2 14, 7 3 21। ठीक है, फिर 23 1 23, तो मैं इसको 7 into 23 लिख लेती हूँ। क्लियर, अब आप लोग 207 के फैक्टर्स, ये जो है किससे जा रहा है आपका, 3 से जा रहा है, 3 6 18, 3 9 27, 3 2 6, 3 3 9। ठीक है, ये हो गया 3 into 3 into 23। क्लियर, अब देखो इसको क्या क्या कर सकते हैं हम, यहां पर 23 से 23 चला जाएगा, तो ये आंसर विल बी 7/9। क्लियर, ठीक है, चलो अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। यहां पर हमको क्या करना है, 517 और 799 को रिड्यूस करना है। ठीक है, इसके फैक्टर्स निकालो। देखो इसका ना तो जो है हमारा
थ्री से भी नहीं जा रहा है, ये सेवन से भी नहीं जा रहा है, इलेवन से जाएगा। इलेवन फोर जा 44, इलेवन सेवन जा 77, ठीक है। अब 47 एक प्राइम नंबर है तो मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ, ठीक है। अब आ जाओ 799 पे, ये किससे जाएगा, थ्री से तो नहीं जा रहा ये, है ना, सेवन से भी नहीं जाएगा, इलेवन से भी देखो ये नहीं जा रहा है, इसे डिवाइड करो। अब है हमारे पास 13 से भी नहीं जा रहा है, 17 से जाएगा ये, ठीक है। तो देखो 17 से कितने टाइम जा रहा है, 799 और 17 कितना हो जाएगा ये, 4 7 28, 4 4 5 6 बचा 191, ठीक है। अभी जाएगा तुम्हारा 7 टाइम, 7 7 49 7 7 11, ठीक है। तो ये तुम्हारा 47 टाइम्स जा रहा है, ठीक है। तो देखो थोड़ा आगे तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा, इसके कोई और फैक्टर्स नहीं है, मतलब इसके अलावा कोई और चांस ही नहीं, कोई और सोल्यूशन ही नहीं है इसका, ठीक है। तुमको 11 से 13 से 17 से सबसे ट्राई करना पड़ेगा। अब 47 इज अ प्राइम नंबर, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 17 × 47, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 47 दोनों में इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 11/17, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है 296 और 481, ठीक है। इसके हम वो निकालते हैं फैक्टर्स, तो देखो 296 के फैक्टर्स निकालो, 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14, ठीक है। अब 37 इज अ प्राइम नंबर, तो वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक। चलो आ जाओ यहां पे 481 पे, ये किससे जाएगा आपका, थ्री से तो नहीं जा रहा है, ये सेवन सेवन 49 नहीं जा रहा है, ये जाएगा 11 से भी नहीं जा रहा है, ये 13 से जाएगा। 481 को लेके जाओ, देखो ये नंबर इसीलिए गिवन है क्योंकि इनके बड़े बड़े फैक्टर्स हैं, इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक। वन आया, ठीक है, ये जा रहा था 37 × 13 से, ठीक है। फिर 37 प्राइम नंबर, तो एज इट इज आ जाएगा। तो देखो 481 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 × 37, ठीक। अब क्या करेंगे हम, 37 ऊपर नीचे दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर दो, तो आपके पास क्या आ गया, 8/13, तो दिस इज द लोएस्ट, ठीक है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक अच्छा सा कॉमेंट कर दो, थैंक यू।